तो वहीं पाकिस्तान में गलती से फायर हुई मिसाइल मामले पर आज संसद में बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर संसद में बयान देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में फैसला आज। और विधानसभा में स्पीकर से हुई तीखी बहस के बाद सीएम नीतीश कुमार ने की राज्यपाल से मुलाकात। देश की अहम खबरों को जानते हैं टॉप 9 देश की बात में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनजाने में हुई मिसाइल फायरिंग की घटना पर आज संसद में बयान देंगे। 9 मार्च को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मियां चन्नू शहर में गिरी मिसाइल की घटना की हाई लेवल जांच के आदेश पहले ही दे दिए गए हैं। राहत की बात रही कि दुर्घटना के कारण किसी की भी जान नहीं गई। दूसरी ओर पाकिस्तान की नेवी ने उत्तरी अरब सागर में युद्धाभ्यास किया है। इस दौरान जहाज रोधी मिसाइलों और टॉर्पीडो की लाइव वेपन फायरिंग और युद्ध लड़ने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रूस यूक्रेन युद्ध पर संसद में बयान देंगे। विदेश मंत्री दोपहर 1 बजे लोकसभा में बयान दे सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है और रूस का आक्रमण 19वें दिन भी जारी है। मॉस्को में 24 फरवरी को अचानक हमले शुरू करने के बाद से हजारों भारतीय संघर्ष प्रभावित देश से अपने घरों को लौट चुके हैं। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली बेंच फैसला सुनाएगी। फैसले के मद्देनजर कर्नाटक के कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। हिजाब पहनकर कक्षाओं में प्रवेश करने के लिए उडुपी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर गर्ल्स की 6 छात्राओं का विरोध शुरू किया था और कुछ हिंदू छात्र भगवा शॉल में आने लगे थे। इसका परसों फिर दीजिए, ये बिल्कुल नियमों के प्रतिकूल। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार और स्पीकर विजय सिन्हा के बीच सोमवार को तीखी बहस हुई। एक मामले को बार बार सदन में उठाने पर नाराज नीतीश कुमार ने कहा कि सदन ऐसे ही नहीं चलेगा, संविधान को जानना चाहिए। मामला लखीसराय प्रकरण को लेकर सदन में स्पीकर के रिपोर्ट मांगने से शुरू हुआ। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। पंजाब के जालंधर में एक मशहूर अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मालिया गांव में कबड्डी टूर्नामेंट में कबड्डी खिलाड़ी को अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून दिया। संदीप के सिर और सीने पर करीब 20 राउंड फायरिंग की गई, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर में एक कबाड़ की दुकान में आग लगने से हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक सोमवार शाम को एक कबाड़ की दुकान में आग लगने से यह हादसा हुआ। आग लगने की वजह सिलेंडर में हुआ विस्फोट बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से अचानक हुए लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया है। NHIDCL कंपनी का काम सड़क पर चल रहा था, तभी अचानक हुए भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया। हालांकि हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। लैंडस्लाइड की वजह से फिलहाल यातायात बंद है और NHIDCL कर्मी रास्ता साफ करने की कोशिशों में जुटे हैं। MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सूबे के BJP विधायकों, मंत्रियों और उनके परिवारों के साथ द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखेंगे। 1990 में कश्मीर घाटी से पंडितों के पलायन पर आधारित द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है। हरियाणा, गुजरात, MP और कर्नाटक के बाद अब UP में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। बेंगलुरु में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका को 238 रन से हराकर 2 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 447 रन का टारगेट दिया था। जवाब में मेहमान टीम 208 रन पर ढेर हो गई। भारत की ओर से आर अश्विन ने 4 विकेट, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट हासिल किए। श्रेयस अय्यर को मैन ऑफ द मैच और सीरीज में 185 रन बनाने वाले ऋषभ पंत को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया।